अ वेरी वोम वेलकम टू ऑल द स्पेडेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से बी एल आई एस सी एल एस एम एल आई एस कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट यकीन माने हमारे चैनल पे आपके लिए काफ़ी कुछ है एक बार चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जरूर विजिट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन तक भी चैनल का जो नोटिफिकेशन है वीडियो का नोटिफिकेशन वो उन तक पहुँच सके तो जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी या सर्टिफिकेट भी कोर्स कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस में तो उसका एग्ज़ाम जो है थर्ड ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी सारे हमने कोर्सेस का जो पेपर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का उस सीरीज़ का हमने कवर करा दिया है तो अगर आप वो सब क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो भी देख सकते हैं चाहे आप बी एल आई एस का तो हालांकि बी एल uh, आई टू बी एल आई ई टू टू एट का रह गया है बाकी हम सब ने सब करवा दिए हैं और एम एल आई एस का ये जो आप लोग का मेन जो जो कोर्स है तो उसका अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मास्टर डिग्री है लाइब्रेरी में अगर आप कर रहे हैं पेपर कोड है एम एल आई आई वन जीरो वन पेपर का नाम है इंफॉर्मेशन सोर्स सिस्टम एंड सर्विस इंफॉर्मेशन का क्या सोर्स है सिस्टम और उसकी सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये है पेपर का नाम और इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अगर आप लोग कर लिया तो आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही नंबर आने वाले हैं यकीन माने क्योंकि हमने आपका बहुत सारे जो करवाए हैं और आपने एग्ज़ाम दे भी देखा होगा तो उन्हीं में से सारे क्वेश्चन बनते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें है यहाँ पे 500 वर्ड में जो आपको आंसर करने हैं उसके एक क्वेश्चन है तो लिस्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको 50 वर्ड में आपको यहाँ पे आंसर लिखना होता है और कैसे लिखना है क्या है ये सारी बातें तो हम बताते ही हैं बट फिर से इस वीडियो में भी आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप उसको अच्छे तरीके से लिख पाएं तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन इंटेलिजेंस एजेंट इंटेलिजेंट एजेंट को डिफ़ाइन करना है मतलब इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है इसका इसका डेफिनेशन लिखना है और डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स ऑफ इंटरनेट इंटेलिजेंट एजेंट जो इंटरनेट इंटेलिजेंट एजेंट होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके टाइप क्या है ये बताने हैं क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिव्यू स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट एंड ट्रेंड रिपोर्ट मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे डिफ्रेंसीेशन लिखना है कि रिव्यू क्या होती है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट क्या होता है और ट्रेंड रिपोर्ट क्या होता है और इसके साथ ही इसमें जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है मेजर फंक्शन परफॉर्म बाय रिव्यू रिव्यू के द्वारा जो मेजर फंक्शन जो है जो परफॉर्म किया जाता है उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है तो डिफ्रेंसिएशन में क्या करना है आपको बीच में एक लाइन डालना है और दोनों साइड में आपको लिखना है जैसे कि यहाँ पर तीन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है जैसे रिव्यू हो गया स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट हो गया और ट्रेंड रिपोर्ट हो गया तो आपको बीच में दो लाइन डालना है एक साइड में आपको रिव्यू लिखना है दूसरे में दूसरे में आपको स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट एंड तीसरे में ट्रेंड रिपोर्ट ऐसे करते करते एक दो पेज में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है लास्ट में आपको एक कंक्लूजन लिखना है और स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन जरूर देना है तो इससे क्या होगा आपका जो पाँच वर्ड है इसमें तो ये बनता ही है तो इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो प्रेजेंटेबल में लगेगा और अगर आप कहीं पे एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें और अगर कहीं पे आपको डायग्राम बनाना है तो वो भी जरूर करें क्वेश्चन थ्री है हु आर इन्फॉर्मेशन गैदरर इन्फॉर्मेशन गैदरर कौन होते हैं और डिस्क्राइब करना है टाइप्स एंड फंक्शन इसके टाइप क्या होते हैं एंड इनके फंक्शन कौन कौन से है क्वेश्चन फोर है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक्टिविटी एंड रीसेंट प्रोजेक्ट ऑफ यूनेस्को यूनेस्को के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे हैं उसके एक्टिविटी क्या है और रीसेंट जो प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया है वो बताने हैं कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से मतलब इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन फाइव है डिस्क्राइब द ग्रोथ पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन का जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है जैसे पहले इनिशियल लेवल होता है फिर एक मेचोरिटी लेवल आती है और फिर एक ओल्ड एज मतलब लेवल आता है जिसमें जो है बहुत सारे जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो होते हैं वो सब उसके पास होते हैं ताकि वो हर यूजर का नीड फुलफ़िल कर सके और साथ में आपको एक्सप्लेन करना है नेचर ऑफ न्यू मिलेनियम ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन सिक्स है प्रिंट मीडिया एंड नॉन प्रिंट मीडिया बोथ विल को एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम डिस्कस मतलब कि यहाँ पे जो प्रिंट मीडिया होती है जैसे कि आपका न्यूज़पेपर हो गया आपका जो कि प्रिंट में आपको देखते हैं जैसे प्रियोडिकल हो गया बुक हो गया और नॉन प्रिंट मीडिया जैसे आपका इंटरनेट पे जितनी भी टेलीविज़न हो गया इंटरनेट हो गया मीडिया में जितनी भी आपको न्यूज़ पेपर न्यूज़ चैनल है या फिर आप फेसबुक पे जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं ये सब क्या है प्रिंट नॉन प्रिंट मीडिया है तो ये दोनों को एग्जिस्ट करेंगे एक साथ में इसको डिस्कस करना है लंबे समय तक इसको डिस्कस करना है क्वेश्चन सेवन है व्हाट आर द डिफरेंट एड्स टू इंफॉर्मेशन सोर्स मतलब क्या क्या डिफरेंट uh, तरीके हैं क्या क्या डिफरेंट एड्स हैं इंफॉर्मेशन सोर्स के ये बताने हैं और डिस्कस करना है हाउ इंटरनेट हैज़ कम हैज़ ऑल्सो कम एन एड टू इंफॉर्मेशन सोर्स इंटरनेट जो है ये भी एक तरह से मतलब इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोवाइड करने का एक जरिया है ये भी आपको यहाँ पे बताना है तो क्वेश्चन नंबर एट है यहाँ पे डिस्कस हाउ इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएटर हैव इमर्ज एज पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्यू टू आई सी टी डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पर इंफॉमेशन इंटरमीडिएटर जो होते हैं वो किस तरीके से इमर्ज हुए एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब वो एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंफॉमेसन सोर्स प्रोवाइडर हो गए क्यों क्योंकि आई सी टी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ इसके वजह से तो इसको यहाँ पर आपको यहाँ पे डिस्कस करना है क्वेश्चन नाइन है इनूमरेट द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी कैटेगरीज़ को यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है और डिस्कस करना है वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन डिसमिनेटर विद एग्ज़ाम्पल एग्जाम्पल के साथ में आपको वेरियस टाइप बताने हैं इन्फॉर्मेशन डिसमिनेटर का क्वेश्चन नंबर टेन है वॉट इज़ द नीड ऑफ नीड फॉर एन इन्फॉर्मेशन सेंटर इन्फॉर्मेशन सेंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी और यहाँ पर डिस्कस करना है इन डिटेल द वेरियस एक्टिविटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इन्फॉर्मेशन सेंटर कौन कौन से वो वेरियस एक्टिविटी है जो कि इंफॉर्मेशन सेंटर को ऑर्गेनाइज करने में आती है उसको डिटेल में डिस्कस करने हैं क्वेश्चन इलेवन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशो इकोनॉमिक डेटा सिस्टम सोशो इकोनॉमिक डेटा सिस्टम जो होता है उससे आप क्या समझते हैं और डिस्कस करना है आपको साथ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेटा सिस्टम विद रेफरेंस टू इंडिया इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया को ध्यान में रखते हुए आपको डिस्कस करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेटा सिस्टम को क्वेश्चन ट्वेल्व है एक्सप्लेन द कन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन इंफॉर्मेशन एनालिसिस और कंसोलिडेशन का को का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और डिस्क्राइब करना है एक्टिविटी ऑफ आईएसी सेंटर दैट इज़ इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर का एक्टिविटीज़ को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं तो क्वेश्चन थर्टीन है देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप स्किप करना चाहें तो भी नहीं कर सकते क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है और आप, आपको सारे ही अलग अलग दिखेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है ये जो मतलब आपका ये जो पेपर है ये थोड़ा मतलब मुश्किल है तो आपको बहुत ज़्यादा ही मतलब इसमें ध्यान देना पड़ेगा तो इसीलिए है कि इसमें सारे क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग दिखेंगे और इसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा हम आप मतलब ये तो हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके जैसे सत्तर नंबर का जब एग्ज़ाम होता है तो एटलीस्ट आपका फिफ्टी तक में हम पहुंचा देंगे बट बाकी का जो है वो अगर आप अपने लेवल पे पढ़ेंगे तभी आपका पूरा हो पाए क्योंकि बहुत टफ है और एट द एंड ऑफ द डे हम आपको उतना अच्छे से मतलब नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि जो है आप लोग मतलब अब और ज़्यादा हम इसमें क्वेश्चन ऐड करेंगे तो आप लोगों को खुद ही बर्डन लगेगा तो इतना ही मतलब रखा है क्योंकि आप लोग को इतना बर्डन ना लगे और आप कर लग कर सकें तो इसलिए कम मतलब अमाउंट में जो क्वेश्चन का जो संख्या है वो रखे हैं हम anyway, एनी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर इंफॉर्मेशन सेंटर के जो वेरियस टाइप होते हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है 14 है व्हाट इज़ मेंट बाय डेटा सेंटर डेटा सेंटर से आप क्या समझते हैं और डिस्कस करने हैं वेरियस टाइप एंड लेवल इसके टाइप और इसके लेवल कौन कौन से हैं डेटा सेंटर के वो आपको डिस्कस करने हैं क्वेश्चन फिफ्टीन है एक्सप्लेन द एक्टिविटीज़ एंड द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ़ द प्रोमिनेंट आई सेंटर इन इंडिया कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होते हैं प्रोडक्ट होता है जो कि इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर में होता है इंडिया में उसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं क्वेश्चन सिक्सटीन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंफॉर्मेशन सोर्स एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सोर्स और इंफॉर्मेशन रिसोर्स से आप क्या समझते हैं देखिए इन्फॉर्मेशन रिसोर्स मतलब जो कि एज अ रिसोर्स की तरह काम करे और सोर्स मतलब जहाँ से आप ले सकें इसको यहाँ पे आपको मतलब एक्सप्लेन करना है और डिस्क्राइब करना है कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स बाय कंटेंट इन डिटेल यहाँ पे आपको कैटेगरी ऑफ सोर्स आपको बताना है इंफॉर्मेशन सोर्स बताना है डिटेल में क्वेश्चन सेवेंटीन है व्हाट इज़ मेंट बाय स्टोरेज मीडिया स्टोरेज मीडिया से आप क्या समझते हैं और मैंशन करना है वेरियस फॉर्म्स अंडर विच स्टोरेज मीडिया कैन बी ग्रुप्ड यहाँ पे स्टोरेज मीडिया का अलग अलग जो फॉर्म हैं वो बताने हैं जिसमें इसको आप मतलब ग्रुप कर सकते हैं और डिस्कस करना है एनी वन सच ग्रुप विद सबल एग्जाम्पल इसके एक ग्रुप बताने हैं एग्जांपल के साथ में क्वेश्चन एटीन है डिफाइन द टर्म डेटा बेस इंटरमीडिएट्री डेटा बेस इंटरमीडिएटरी का जो टर्म है इसको आपको डिफ़ाइन करना है और आपको बताने हैं रोल ऑफ डेटा बेस इंटरमीडिएटरी एज अ सर्चेबल सर्चर एंड एज एन एडिटर जो यहाँ पे इसके रोल है डेटा बेस का इंटरमीडिएटरी का इसके सर्चर्स एंड इसके एडिटर के यहाँ पर आपको डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नाइन्टीन है डिस्क्राइब द डिफरेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ़ डेटा बेस डेटा बेस के जो डेवलपमेंट का जो फेज होता है वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है डिस्क्राइब uh, करना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटा सेंटर एंड डेटा बैंक डेटा सेंटर और डेटा बैंक में क्या अंतर होता है इसमें आपको अंतर स्पष्ट करने हैं और एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर फंक्शन एंड सर्विस ऑफ डेटा सेंटर इसके जो मतलब बनावची ढांचा उसके कार्य और उसके जो करने का जो तरीका है ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताने हैं डेटा सेंटर का विद एग्जाम्पल क्वेश्चन ट्वेंटी है डिस्कस द नीड करेक्ट्रिस्टिक एंड कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसके कार्य क्या है और इसके कैटेगरी कौन से हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर में क्वेश्चन ट्वेंटी टू है डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ लिटरेचर सर्च लिटरेचर सर्च की ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी मतलब इसका पर्पज़ क्या है ये बताने हैं और डिस्क्राइब करना है टेक्निक ऑफ़ लिटरेचर सर्च विद पर्टूलर रेफरेंस टू कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है टेक्निक ऑफ लिटरेचर सर्च एंड पर्टिकुलर रेफरेंस देने हैं आपको कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग का तो ये ट्वेंटी टू था ट्वेंटी थ्री है यहाँ पे इन्यूमरेट द वेरियस कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स और यहाँ पे मतलब बताने हैं आपको जो वेरियस कैटेगरी होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के वो बताने हैं और डिस्कस करने हैं एक्टिविटी जो है इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है उनमें से कोई दो एक्टिविटी यहाँ पे आपको डिस्कस करने हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फोर है डिफाइन इंटेलिजेंट एजेंट इंटेलिजेंट एजेंट क्या होते हैं और यहाँ पर डिस्कस करने हैं यहाँ पर करेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट आई uh, गेस ये वाला क्वेश्चन हमने करवा दिया है तो जो रिपीटेड है उसको आप स्किप कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी इंस्ट्यूशनलाइज डी इंस्टीट्यूशनलाइज इंफॉर्मेशन सर्विस डी इंस्टीट्यूशनलाइज इंफॉर्मेशन सर्विस से आप क्या समझते हैं और डिस्कस करने हैं इसके टाइप विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ में आपको इसके टाइप बताने हैं क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स है एलियोसैट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ ह्यूमन ऐज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉमेसन यहाँ पर बताने हैं इम्पॉर्टेंस बताने हैं वेरियस कैटेगरी ह्यूमन का एज़ अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन किस तरीके से वो एक्ट करता है क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन है अगर यहाँ पे इसकी बात करें कि ह्यूमन किस तरीके से इंफॉर्मेशन का सोर्स बनता है तो बहुत ही आसान है जैसे कि लाइब्रेरी में या फिर कहीं पे भी आप देखते हैं तो एज अ ह्यूमन ही होता है जो एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो क्रिएटर होता है हर चीज़ जो क्रिएटर होता है वह ह्यूमन ही है उसके माइंड से ही निकलता है तो वहाँ पर आपको लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स में इस चीज़ को बताने हैं ट्वेंटी है डिस्कस द रोल ऑफ इफिला इफिला का रोल बताना है आ, और बताने हैं यहाँ पे इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस के का डेवलपमेंट में इफिला का क्या रोल है और है यहाँ पे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हो हाउस जनरल हाउस जनरल से आप क्या समझते हैं और डिस्कस करने हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हाउस जनरल एंड देयर इम्पोर्टेंस एज इंफॉर्मेशन सोर्स इसके डिफरेंट कैटेगरी बताने हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंट है एज अ इंफॉर्मेशन सोर्स में ट्वेंटी नाइन है डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑफ़ नॉन प्रिंट मीडिया एज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो नॉन प्रिंट मीडिया है जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया तो वो कैसे मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर थर्टी है वॉट इज़ साइटेशन एनालिसिस साइटेशन एनालिसिस से आप क्या समझते हैं और डिस्कस करने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साइटेशन इंडेक्सेस जो डिफरेंट टाइप ऑफ साइटेशन इंडेक्सेस होते हैं उसको यहाँ पे आपको डिस्कस uh, करने हैं क्वेश्चन थर्टी वन है डिफाइन मल्टी मीडिया मल्टी मीडिया से क्या समझते हैं साथ में आपको हाइपर मीडिया बताना है एंड हाइपर टेक्स बताना है और इसके यूजफुलनेस बताना है साथ में क्वेश्चन थर्टी टू है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस से आप क्या समझते हैं और एक्सप्लेन करने हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफर्ड इन इंडिया डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस तो होता है कि आपको मतलब आप यूज़र को डॉक्यूमेंट डिलीवरी के द्वारा पहुंचाएं मतलब उसको होम डिलीवरी करें और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली मतलब आप उसको पीडीएफ में भेज दें तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिकली या फिर आप उसको मेल पे कर दें ये सब चीज़ें होती हैं और इसका लास्ट जो क्वेश्चन है वो है थर्टी थ्री कि कैटेगराइज़ द इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो प्रोफेशनल होते हैं उसको कैटेगराइज़ करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल उसके रोल के बेसिस पे आपके यहाँ पे कैटेगराइज करने हैं और एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड प्रोफेशनल होते हैं उनके जो रोल होता है उसको यहाँ पे आपको साथ में बताने हैं तो ये पूरा क्वेश्चन था जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आप आसानी से आप अपना एग्ज़ाम पास कर पाएंगे तो आशा करते हैं आपको लेक्चर जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद